काम की वजह से मेरा सिस्टर को लेकर आया था। सिस्टर अभी काम कर रहा है और भाई ने लेकर आया था सिस्टर के स्कूटी पे, और यहीं पर हम वो भी मिलने के लिए हमारे साथ नहीं आया था हमको मिलने के लिए देखने के लिए, वो भी शोरूम आ गया। ये मेरा छोटा भाई है निपोनजीत एंड मैं बड़ा भाई, और ये मेरा सेकेंड भाई जो मुझे भगवान ने दिया है मेरा भाई को गॉड गिफ्ट। और आज मुझे मालूम ही नहीं था मुझे इतना बड़ा तोहफा देगा, वो कब से सोच रहा था पता नहीं। प्यार है तू, ये प्लान कितना दिन से सोच रहा था तू? मैं तो आपको बचपन से जब से जानता है सबसे प्यार करता हूँ ना, सोच के रखा था एक दिन ऐसा गिफ्ट देगा कि सो थैंक यू ब्रो। ऐसा ही भगवान हम सबको सही सलामत रखे, प्यार ऐसे ही देते रहे, हम सब मिलजुल के ऐसे रहे गाइस। मेरे तरफ से और अभी थैंक यू। एंड आज पहली बार आप लोग भी सुना होगा लुक पर नाम से वो केक का नाम लिखता है, मेरा नाम लिख के भी कैप्टन लिखा हुआ है। देखो केक में क्या लिखा हुआ है, देखो गाइस थैंक यू मेरा युवाओं को देखो। हेलो इंडिया, नमस्ते प्रणाम, गुड मॉर्निंग इंडिया एंड गुड मॉर्निंग ऑसम आसाम। सो गाइस, मैं प्रियम सिंह को आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे नए एपिसोड ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों और दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोगों को तो तमे तटे देख के पता ही चल गया होगा ये वीडियो जो है किस ऊपर बनाया गया है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ देखने से अच्छा होता है मैं पहले बता देने से गाइस। और स्पेशल दिन है क्या बोलो आप लोग को, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ गाइस। ये चारों तरफ नज़रिया देखिए गाइस, यही बीच ये दुनिया में ये पृथ्वी में इन लोगों के बीच सारे प्राकृतिक परिवेश के बीच में इंसानों की दुनिया में आज का दिन में मेरे माँ ने मुझे जन्म दिया है। लेकिन आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा बर्थडे है। सो गाइस, मैं कभी ज़िंदगी में बर्थडे नहीं मनाया, इस साल भी नहीं मनाने वाला था, लेकिन मेरे फ्रेंड लोग इतना पोर्ट्स कर रहे हैं मुझे बर्थडे नहीं मनाना ही है, क्योंकि इस साल मैं कैप्टन रहा हूँ। मेरा फुटबॉल जो हमारा गांव का अथुर क्लब टीम है उधर का, अभी मैं इस साल में पूरा कैप्टन हूँ। सो मेरे फ्रेंड लोग बोला, प्लेयर्स लोग मेंबर है, उन लोगों ने बोला सर मैं सर बुलाते हैं मुझे आज, मैं आप लोग को इस साल आप जरूर बर्थडे मनाना और पील में ही मनाएगा। उन लोग ही मुझे मेरे लिए केक ऑर्डर किया है, और मुझे पता है मुझे और मेरा भाई ने एक सरप्राइज देने वाले हैं। क्या सरप्राइज है मुझे पता नहीं, इसीलिए मैं अभी गाइस पता नहीं। मेरे भाई ने मुझे फोन करके ऑफिस में बुलाया, किस लिए बुलाया गया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो सरप्राइज देगा बोला मेरा बर्थडे के अवसर पे जन्मदिन पे। क्या सरप्राइज देगा मुझे भी आइडिया नहीं है, मालूम नहीं है गाइस। आप लोग अगर जानना चाहते हो मेरा पास बर्थडे में, मेरा पहला बर्थडे पास नहीं मतलब पहले मेरा बर्थडे जो है पास टाइम मनाने वाला हो ज़िंदगी में गाइस, कभी नहीं मनाया, ऐसे भी मनाने का भी मन नहीं था। मैंने आप लोगों को तो बता ही दिया था मेरा फ्रेंड लोग की वजह से मैं मनाने वाला हूँ, और ये मैं यूट्यूबर भी हो तो मेरा एक कंटेंट भी हो जाएगा, मेरे लिए भी अच्छा ही होगा। और मेरा भाई ने मुझे क्या गिफ्ट देगा जन्मदिन के अवसर पर मुझे आइडिया नहीं है, मुझे बुलाया गया है और मैं अपने ट्रेडिशनल पास्ता पोल मेरा जो पहचान है ये आएगा, मेरा मिसिंग ड्रेस लेके लगा के मैं अभी शहर जा रहा हूँ, टाउन जा रहा हूँ, मेरा भाई ने मुझे बुलाया गया है। अभी मैं पैदल के जा रहा हूँ गाइस, आप लोग कूड़ी देख सकता है, अभी बाइक भी नहीं है। मैं गांव में जाके किसी को मदद मांगेगा बाइक मिलेगा कि नहीं, बाइक मिलेगा क्या बोल के, इसलिए मैं गांव जा रहा हूँ और गांव से फ्रेंड को लेके मैं टाउन जाने वाला हूँ। ये देखो गाइस, मेन रोड के ऊपर से ही है, अचानक मुझे बुलाया गया है, वो क्या प्रिपरेशन करके रखा गया है मुझे, क्या गिफ्ट देने के लिए मुझे, क्या गिफ्ट देने के लिए वो रेडी करके रखा है मुझे ना पता ही नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है गाइस, आप लोग यकीन कीजिए। और मैं ये इवनिंग को ब्लॉग बनाने वाला था, मेरा फ्रेंड लोग कहा कि मैं केक काटने वाला है कॉलेज ग्राउंड में कटेगा, लेकिन मैं जब प्रैक्टिस करने जाएगा तभी मैं ब्लॉग शुरू करने वाला था, लेकिन मेरा भाई ने मुझे सरप्राइज देगा कह रहा है तेरा मेरा जन्मदिन के अवसर पे। सो दोस्तों, मैंने आप लोगों को कहा बता ही दिया था, क्योंकि मेरा भाई ने अचानक मुझे फोन किया है, मेरा बाइक भी नहीं है, मैं गाँव की तरफ पहुँच गया था, और मेरा एक सासा है, सासा लगता है, सासा को मैंने इन्वाइट किया और सासा मुझे लेकर जाने वाला है। अभी इधर से हम निकलते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरा भाई ने मुझे क्या गिफ्ट देने वाला है, मुझे जोरहाट टाउन में बुलाया गया है। सो गाइस देखते हैं, वीडियो बने रहना, चलो अंकल। मुझे कवर भी नहीं दिया इसीलिए इमरजेंसी में भी हेलमेट लेके जा रहा हूँ, मेरा वो क्या बोलते हैं मेरा बुआ का बेटा है,
सो इमरजेंसी एमएल लेके जा रहा हूँ मैं, वो मुझे नहीं बताया, अचानक मुझे बुला गया शहर पे। यहीं पर फिर हमारा दुर्गा पूजा होने वाला है गाइस, आप लोग जरूर आइए जोरहाट बापला, यहीं पर दुर्गा पूजा होता है हमारा, बहुत भीड़ होता है, लोग बहुत इंजॉय करता है। हम यहाँ पर सभी जाते हैं स्कूल बस से, देखो हाय हमारा मालोपोटा पे छोटा सा पेट्रोल पंप में हम जोरहाट पहुँचने वाले हैं, अभी पेट्रोल डाल लेते हैं, उसके बाद 10 मिनट लगेगा टाउन पहुँचने के बाद, आपको जितना हो सके दिखाने की कोशिश करेगा, वीडियो बने रहेगा इस यही बाइक ऑफिस से नेक्सा शोरूम। A few minutes later. So guys, finally हम पहुंच गए जोरहाट पे, यहीं पे मारुति सुजुकी का तो सुजुकी का शोरूम है बाइक का। सो मेरा भाई यहीं पे वेट कर रहा है, मुझे किस लिए वेट कर रहा है पता नहीं, हमको अंदर जाकर मुझे ही पता चल जाएगा। वो कह रहा है कि मेरा जन्मदिन के अवसर पे कुछ सरप्राइज देने वाला है। सो गाइस देखते हैं अंदर का जरा। साथ ही फर्स्ट फर्स्ट टाइम एंट्री करने वाला हूँ तो सुजुकी शोरूम पे। सो गाइस देखते हैं यहाँ का अंदर का नजारा कैसा क्या। ये आप लोग देख सकता है सुजुकी शोरूम का क्या क्या गाड़ी अवेलेबल है। देखो ये आप बाइक गैलेक्सा क्या है, वाह ये कलर देखो, यहाँ का शोरूम का नज़ारा मैं आप लोग को दिखाते हैं। देखो गाइस क्या क्या बाइक अवेलेबल है, स्कूटी है और ये देखिए। और मुझे किस लिए बुलाया गया है मुझे पता नहीं, मेरा पैसा उधर बैठा हुआ है देखो। दोस्तों फाइनली मेरे घर पर से बैठ बैठ के अभी 3:30 के कारण मुझे पता चल गया, आने से पहले ही मेरा भाई ने मुझे बर्थडे के तरफ से मेरे जन्मदिन के मोबाइल और पे मुझे बाइक का गिफ्ट देने वाला है स्कूटी का। सो हमको पता नहीं था, इधर आने के बाद ही पता चला, मैं ब्लॉग इतना नहीं बनाया क्योंकि ये शहर है ना टाउन है, अंदर मुझे पूरा शर्मा गया इसलिए मैं नहीं बनाया था। लेकिन मैं जितना अंदर का परिस्थिति नजर आया जितना हो सके मैं दिखाने की कोशिश कर। सो आप लोगों को क्या बताओ गाइस, मेरा फ्रेंड लोग फील्ड पे ग्राउंड पे वेट कर रहा है, उन लोग केक ला के रखा है केक काटने के लिए। कैप्टन सर किधर है, अभी तक क्यों नहीं आया, ऐसा कह रही है। लेकिन ये डीलर का पूरा काम रहता है ना, इसीलिए शायद नहीं हो पा रहा है। अभी काम तो ऑलरेडी हो गया है, मेरा भाई ने किधर गया था पता नहीं। और यहाँ पर देख सकता है ये जोरहाट सुजुकी शोरूम का नज़ारा। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मेरा बर्थडे के जन्मदिन के और पे अवसर पे मेरा भाई ने मुझे एक इतना बड़ा गिफ्ट देगा। थैंक यू ब्रो, हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना, हम सर एक साथ मिलकर ऐसे ही रहे ज़िंदगी भर, यही दुआ दुआ करता है भगवान को। आशीर्वाद के टाइम में मेरे भतीजे को फ़ोन किया, वो अपने तातो यायो के घर पे है, लखीमपुर पे है। हाय बेटा मिस यू, हाय मिस यू, लव यू बेटा, हाय पर हाय बेटा, बेटा स्कूटी साइड ऊपर, स्कूटी साइड स्कूटी बाय, घुमा बोने स्कूटी साइड ऊपर। कैसे देखो, देख रहे हैं हमको बहुत याद आ रहा है साहब, एक महीना हो गया है, कब आएगा बेटा। मेरा छोटा भाई भी आया हुआ है, वो भी जोरहाट सिटी पे आया हुआ है कुछ काम की वजह से, मेरे सिस्टर को लेकर आया था, सिस्टर अभी काम कर रहा है और भाई ने लेकर आया था सिस्टर के स्कूटी पे। और यहीं पर हम वो भी मिलने को लिए, हमारे साथ नहीं आया था हमको मिलने के लिए देखने के लिए, वो भी शोरूम आ गया।
ये मेरा छोटा भाई है निपोनजीत एंड मैं बड़ा भाई, और ये मेरा सेकेंड भाई जो मुझे स्कूटी गिफ्ट किया है ज्ञानदीप पेगू भाई। तीन भाई अभी यहाँ पर मौजूद है, सो बहुत एक्साइटेड है। और देखिए ये सुजुकी शोरूम से, ये देखो की देखिए, ये मेरा स्कूटी का की है, इतना बड़ा है गाइस आप लोग कभी देखा है, ये लेकर जाना पड़ेगा। थैंक यू सेफ्टी फॉर मैन एंड मेरा इधर नहीं होगा, ये लेडीज के लिए होगा शायद, हमारे लिए नहीं होगा, जेंट्स के लिए नहीं। ये बाइक भी लेडीज के लिए है, तेरे लिए नहीं, तेरे लिए सरप्राइज है। लेकिन ये छोटा है ना, उसका वो अंदर नहीं घुसेगा। हाँ मम्मी लोग के लिए हो जाएगा, हमारे लिए नहीं होगा। तो हैंड ओवर हो गया, डिलीवरी हो गया है डिलीवरी। सो अभी हम निकल चुके हैं, बहुत इवनिंग भी हो रहा है गाइस, सभी घर पहुँचने के बाद पूरा शाम हो जाएगा। सो ब्लॉक केक काटने को मिलेगा कि नहीं पता नहीं गाइस। ये मेरा स्कूटी देखो, ये भी कंपनी के तरफ से स्कूटी का पूल थैंक यू कराएगा शायद, फुल नहीं हाफ, हाफ नहीं, ये 3 लीटर देगा कह रहा है शायद, 3 लीटर देगा बोला। सॉरी तोराजान कोटकी पुखुरी नियर SBI ब्रांच, यही पर है ये शोरूम। मारुति नहीं है ना, GDCL सुजुकी शोरूम यही पर है, आप लोगों को तो मैंने बता ही दिया था यहाँ का एड्रेस जो है, तोराजान कोटकी पुखुरी रोड एंड नियर SBI ब्रांच, यही पर है गाइस, देख सकता है, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा सकता हूँ, दिखाने की कोशिश करें। ये देखो GDCL सुजुकी शोरूम है यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकता है कोतकी पुकोई लिखा हुआ है मेन रोड के बगल, जुराट का जो सुजुकी शोरूम है। आप लोगों को जितना देखा पाया दिखाया, और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। लेकिन अभी मेरा बर्थडे है, लेकिन अभी तक नहीं कटा, अभी शाम हो जाएगा शायद, केक करने से क्लीन नहीं करता है क्या। मेरा बाइक का नाम है केंदी अभी, क्या है केंदी, क्या है केंदी, केंदी मतलब केंदी बाइक का नेम। ये देखो गाइस क्या है बताओ, ये कितना जबरजंग रखा हुआ है बाइक को, देखो क्लीन भी नहीं किया है। कल ये देखो गाइस पे गया था इसलिए ऐसे हो गया, भगवान ने दिया है मेरा बाइक को गॉड गिफ्ट। और आज मुझे मालूम ही नहीं था मुझे इतना बड़ा तोहफा देगा, वो कब से सोच रहा था पता नहीं, प्यार है। तू ये प्लेन कितना दिन से सोच रहा था, तू मैं तो आपको बचपन से जब से जानता है सबसे प्यार करता हूँ ना, मैं सुस्के रखा था एक दिन ऐसा गिफ्ट देगा कि बोला। सो थैंक यू ब्रो, ऐसा ही भगवान हम सबको सही सलामत रखे, प्यार ऐसे ही देते रहे, हम सब मिलजुल के ऐसे ही रहे गाइस। मेरे तरफ से और अभी थैंक यू, एंड हमारा तो एक ही बाइक था, अभी 2 बाइक हो गया है, वो भी कभी कभी ऑफिस लेकर जाएगा स्कूटी, मैं R15 को लेकर जाऊंगा, कभी कभी ये R15 को लेकर जाएगा, मैं स्कूटी को लेकर जाएगा। 3 बाइक है ना, 2 तो जरूरी है, अगर ले सकता है तो छोटा बाइक के लिए भी कुछ लेगा बाद में। सो अभी हम गरीब है तो क्या कहाँ से पैसा मिलेगा गाइस। थैंक यू ब्रो, अभी मैं जाने वाला हूँ, लेट हो गया है, सो हम ऐसे निकल से गाइस, बाय बाय। पार्टी बाद में, ये कुकी से पार्टी 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 कह रहा है, अभी इतना पैसा बहुत खर्चा हो गया, तो गांव में चल, गांव में पार्टी देगा, गांव में भी देने वाले मैं पार्टी, चलो ठीक है बाद में तुझे चलाए, ओके। शोरूम से हम निकल चुका है गाइस, ये देख सकते हैं घर की तरफ जा रहा हूँ, देखो वाओ जो नया बाइक है मेरा भाई लेकर जा रहा है, और ये बाइक का ऑफिस से मेरा R15 बाइक इधर पर ही रखे गया था, मैं इधर से अभी लेकर जाने वाला हूँ गाइस, देखो वाओ ये बाइक का ऑफिस से देखो गाइस, और ये मेरा R15 बाइक अभी लेकर जाते हैं, अपने ग्राउंड पर आ गया है, अभी केक कटने वाले तू इधर के बाद, देखो गाइस मैं पहुंच गया हूँ, अभी देख सकता है नाइट को केक कटेगा और मेरा घर पर शायद काटूंगा, ये देख सकता है आप लोग। और सभी को मेरी यूट्यूब चैनल के जरिए सभी को हैप्पी मोहालया एंड हैप्पी गांधी जयंती बिफोर एडवांस 1 डे सभी को, कल गांधी जयंती है, आज 1 अक्टूबर मेरा जन्मदिन है, और यहाँ पर मेरा फ्रेंड लोग मेरे लिए केक रेडी करके रखा हुआ है, अभी घर जाके हम पार्टी करने वाले, आप लोग को पूरा वीडियो के थ्रू आप लोग को दिखाने की कोशिश करेगा, वीडियो बने रहें। सो गाइस आज जन्मदिन के अवसर पर मैं कैप्टन हूँ ना, मैं तुरंत ट्राई करने वाला हूँ, मैं गोल देने वाले प्लान पेनल्टी मारने वाला हूँ गाइस, देखिए बर्थडे बॉय सुद गब्बी हो, मैं फोकस करना
A few minutes later. Ready? So guys, अंधेरू पे भी मैं गॉगल स्पेक लगा रहा हूँ क्योंकि उसका वजह है क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ इसीलिए मैं लगा रहा हूँ सनग्लासेस लगा रहा हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं हमारा बापड़ा गांव का चरहरी का नजर है। ये देखो मेरा युवाओं ने मेरा फ्रेंड लोगों ने मेरा बर्थडे केक करने के लिए इंतजार करा है। उन लोगों ने मुझे केक काटने के लिए इतना फोर्स किया था लेकिन मैं फिलहाल आप लोगों को तो पता ही है मेरा ब्लॉगिंग के जरिए आप लोगों को देखा है मैं दुरान में आज मेरा भाई ने मुझे स्कूटी जीप दिया था उधर से मैं लेट हो गया और मैं थोड़ा स्पीड में पहुंच गया था थोड़ा शाम हो गया था उधर तो लाइटिंग का व्यवस्था नहीं है इसीलिए हम हमारा गांव के बीच में आज मैं केक मेरा बर्थडे जो सेलिब्रेशन करने वाले फर्स्ट टाइम बर्थडे मनाने वाले बहुत एक्साइटेड हूँ और ऐसा मनाने वाले कि गांव के बीच में मेन रोड के बीच में मनाने वाले मेरे बर्थडे केक खाने के लोग ये कितना भीड़ है गाइस आई एम सो हैप्पी एक्साइटेड क्योंकि जिंदगी में लाइफ टाइम फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन करने वाला हूँ इन माई लाइफ बर्थडे सेलिब्रेशन। सो गाइस वीडियो बने रहना एंड तक जरूर देखना बहुत मजेदार इंटरटेनमेंट होने वाला है। यहाँ का नजारा दिखाएगा पोलोमी कैमरामैन आ जाओ अभी केक निकलो वो जो केक है मेरा फुटबॉल हमारे गांव का जो युवाओं ने फुटबॉल क्लब जो टीम है ना मैं कैप्टन हूँ इस साल का इसीलिए उन लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया है उन लोगों ने केक काटने के लिए फोर्स किया था मुझे और मैं जिंदगी में कभी नहीं मनाया मनाने का भी सुसा नहीं था। और मेरा भाई भी मुझे सरप्राइज दिया था 11 बजे फोन किया कि तू शहर टाउन में आ जाओ इसीलिए मैं गया अभी लेट हो गया उन्हें मुझे स्कूटी गिफ्ट दिया थैंक यू ब्रो। एंड कभी कभी भाई के साथ भी झगड़ा होता है कोई बात नहीं है भाई भाई होता है एंड अभी लेट हो गया नाइट को केक करने वाला हूँ गाइस चलो देखिए यहाँ का नजारा देखा कैमरा मैन हेलो गाइस आ जाओ हेलो केक दे दूंगा वो 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 ये देखिए केक का पनीर लम तो बनेगा ये मेरा आज दिन बाइक का ऊपर केक काटेगा गाइस मैं नया स्कूटी पे नहीं लुक पर नाम से वो केक का नाम लिखता है मेरा नाम लिख के भी कैप्टन लिखा हुआ है देखो केक में क्या लिखा हुआ है देखो गाइस थैंक यू मेरा युवाओं को देखो प्रियम कैप्टन क्योंकि मैं अभी मेरा जो फुटबॉल टीम है हमारा गांव का बापला अचुर क्लब का वो कैप्टन हूँ इस सीजन और हमारा जो माधुली में खेल चल रहा है अभी पिलर थर्ड राउंड खेलने वाले 3 तारीख को हम जाने वाले जरूर जीतेगा पहले सेकेंड राउंड को जीत के आया था फिर ऐसे ही हम अभी प्रैक्टिस चला रहा है फील्ड पे आप लोगों को तो देखा ही होगा सो थर्ड राउंड जीत के आएगा उसके बाद फाइनल भी जीतेगा इस सीजन बापला नाम का रोशन करेगा जरूर कप पैसा लेकर आएगा और अब तो मिश्री रखा नाजों को मिश्री पशी लुलुक को आई तो मैं ऊपर रखी लंगो जीवन से मजलो सिंह बात दिए मानिक माँ को कोखा माँ भत्ता काम भुरा काम सहरा हम काटूंगे ही पबोटा और अगर मुलुक बापला तो अचूर का बंदा टीम फुटबॉल का दूंगा मेंबर की लीड तानी यादव की लीड प्लेयर की लीड सिंह के एम लांगेला मोम के एम लांगेला बात दिए सरी बेटे माने भी दूंगा मानिक माँ बताएंगे सिंह किन माँ और अगर सिंह को मैं पास टाइम मानी दूंगा पास टाइम मानी लगता हूँ ग्रह सिंह गीव हम बिपंदा गिफ्ट गीता अरे सिंह बत्ता पाल ने गिफ्ट को ओक को नहीं मुलो नशा नाम स्कूटी को वो किन मंगाई जरे बिन बत्ता ने गिफ्ट भी अपना और कच्चे में आदम की विडम थैंक यू मेरे उत्सुक टीम युवाओं को टीमों को सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत थैंक यू तुम लोगों ने इतना मेहनत करके मेरे लिए इतना कष्ट उतार रहे तो जिंदगी में आभारी रहेगा तुम लोग का प्यार हमेशा रहेगा और मेरा प्यार भी आप लोग के साथ हमेशा रहेगा। सो गाइस अभी मैं केक काटने वाला हूँ हैप्पी बर्थडे प्रियम सिंह को कैप्टन एंड आप लोग मुझे तो यूर पर आप लोग ये भी चाहो सबसे हमारे गांव को युवाओं को नमस्कार करता हूँ यहाँ पर जितना जितना लोग मौजूद है मेरा सब भाई है सासा है भैया है सब है सबको शुक्रिया करना चाहता हूँ। और सबसे पहले मेरा टीम का प्लेयर जो है यह सब विद्युत है अभिरुच है सब मोहन है उन लोगों को शुक्रिया करना चाहूंगा क्योंकि जिंदगी में आप लोगों को तो मैं बार बार बता रहा हूँ मैं कभी
बर्थडे नहीं मनाया, आज पास्ता है में मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जिंदगी में किसी का भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं किया होगा। ये मेन रोड के बीच पे गांव पे इतना लाइटिंग की व्यवस्था किया गया, लोग इतना भीड़ है और मुद्दा हो गया, इसलिए नहीं मनाया, शर्म की वजह से नहीं मनाया, लेकिन मेरा प्रियंका लोग की वजह से आज हो पा रहा है। थैंक यू, जिंदगी ये यादगार बन के रहेगा। पास्ता में भी मनाया था, मेरा यूट्यूब चैनल के जरिए कैप्चर करके रहेगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ। जिंदगी में एक बार मैंने बातें मनाया था और ऐसे मनाया था लोगों के बीच में, यहाँ मनाया था, बहुत जबरदस्त था और मेरा भाई भी गिफ्ट दिया। अभी मैं केक काटने वाला हूँ, सबको थैंक यू, यहाँ आ जाइए। हैप्पी बर्थडे माय बर्थडे प्रिय सुरती गांधे, सबसे पहले मेरे भाई को मैं केक देना चाहूंगा, वो मेरे स्पेशल है। सो गाइस देखो मेरा क्या हालत हो गया है, थोड़ी देर पहले थोड़ा हैंडसम था, हीरो जैसा था, अभी देखो क्या बंदर जैसा हो गया। गाइस क्या केक लगा दिया गया, जाकर परिस्थिति देखिए पूरी पे। हैप्पी बर्थडे टू मी गाइस, प्रियंशी को कि बर्थडे आज 1 अक्टूबर है। ये वीडियो थोड़ा लेट में मिलेगा गाइस, माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं वीडियो एडिट करके रखा हूँ, मैं कर पड़े से दूसरा वीडियो देगा, ये वीडियो है 3 दिन के बाद आएगा। और सभी को हैप्पी मोलोया एंड हैप्पी गांधी जयंती बिफोर 1 डेज। कल गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है, आज 1 अक्टूबर का मेरा जन्मदिन है और हैप्पी मोलोया सबको, पूरे देशवासियों को, पूरे हिंदुस्तान को हैप्पी गांधी जयंती बिफोर 1 एडवांस बिफोर 1 डे गाइस। आज का बर्थडे यादगार बनकर रहेगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हैप्पी हूँ। आई एम प्रियम यूट्यूबर, अभी पार्टी करने वाले गांधी भाई। तू है पानी, क्या आज तू है पानी 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 के साथ, दारू दारू दारू, लेकिन मैं दारू नहीं पीता, मेरा प्रेम लुक को मैं पिलाएगा, आज तू है पानी पानी। वाह, सो गाइस आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो एंड तक देखने के बाद लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताना। आज का वीडियो मैं यही से डायन करने वाला हूँ, यही से समाप्त करने वाला हूँ। मिसिंग रगाम हीरो, जय आयो होम, जय जवान जय किसान, जय हिंद, हैप्पी बर्थडे, बाय बाय बाय।